नमस्कार दोस्तों, स्वागत अपने YouTube चैनल फार्मेसी पावर में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होता है, या ताकत नहीं रहता है, या आपके बहुत ज़्यादा थकान रहता है, या आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में आपको विचार आता होगा कि कौन सा टैबलेट ले या कौन सा कैप्सूल ले जो हमें ताकत मिले या अच्छा से शरीर काम करे, शरीर में सभी तरह के विटामिन मिले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीप्रेक्स कैप्सूल के बारे में। मल्टीप्रेक्स कैप्सूल में आपको जो कॉम्पोजिशन देखने के लिए मिलता है, मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल एंड एंटी ऑक्सीडेंट सॉफ्ट जिलेटिन का कैप्सूल इसमें अवेलेबल होता है। यह आपको 135 में देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें 10 कैप्सूल अवेलेबल रहता है और ये जी लेबोरेटरीज कंपनी द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों, जो मल्टीप्रेक्स का जो कैप्सूल होता है, ये जिलेटिन का बना होता है, सॉफ्ट जिलेटिन का बना रहता है। ये आपको खाने के बाद कुछ ही देरों में ये अपना काम दिखाना शुरू कर देता है। दोस्तों, आप जानते हैं जो मल्टीप्रेक्स का जो कैप्सूल होता है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका डोज क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। बस मेरा वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। तो मल्टीप्रेक्स कैप्सूल में आपको सभी तरह के मल्टी मिनरल्स देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये आपके बॉडी के सभी तरह के विटामिन को या मिनरल्स को पूरा करने का काम करता है। क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है, ये मिनरल्स अवेलेबल रहता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B12, कैल्शियम, पोटेशियम, मतलब सभी तरह के इसमें विटामिन मिनरल्स अवेलेबल रहता है, जो आपके बॉडी के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, काफ़ी फायदेमंद। जैसे ये आपको कमजोरी महसूस होता है या थकान महसूस होता है, या आपके पोषण की कमी रहता है आपके बॉडी में, या आपके इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो ये कैप्सूल लेने से आपको सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। यह आपके बॉडी को मजबूत बनाता है, या बॉडी के सभी अंगों में पोषण देने का काम करता है। दोस्तों, इसमें सभी तरह के मिनरल अवेलेबल रहता है, जो शारीरिक प्रक्रिया को, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। मतलब खासकर इस टैबलेट की बात करें तो ये टैबलेट आपके बॉडी को ताकत प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। आपके जैसे आपके बॉडी में कमजोरी महसूस होता है, तो ये कैप्सूल लेने से आपके थकान कमजोरी दूर हो जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं मल्टीप्रेक्स कैप्सूल के डोज के बारे में। तो ये कैप्सूल आप दिन में एक बार या रात के सोते समय भी ले सकते हैं, या सुबह शाम भी ले सकते हैं, या इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये कैप्सूल लेने से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट नॉर्मली देखने के लिए मिल सकता है, जैसे नौजिया, वोमिटिंग, स्टोमक पेन, सिर दर्द, इस तरह के आपको साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है। बट ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर होता नहीं है। दोस्तों, कुछ परसेंट लोगों को ऐसा देखने के लिए मिलता है, तो घबराए नहीं। और ये टैबलेट को प्रेगनेंसी वुमेन या ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम या क्षतिग्रस्त पहुंचाएगा। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।